ये सामान आ गया है हमारा, बाहर की विंडो जो हम तैयार करवा रहे हैं उसके लिए। चालू है, आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज का तो सीन इस तरीके से है, मैंने आपको जैसे कि मैंने हाइलाइट्स आपको दिखाए हैं कि विंडो का काम चल रहा है हमारी बालकनी में कवर कर रहे हैं। सबसे पहला काम वहाँ पर ये करवा रहे हैं, वहाँ पे विंडोज़ बनवा रहे हैं ताकि बाहर से डस्ट वगैरह ना आ सके। जब हवा चलती है, आंधी या बारिश आती है तो काफ़ी मिट्टी आ जाती है अंदर, तो गर्मी भी काफ़ी है। जून जुलाई में काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो गर्मी से बचने के लिए भी थोड़ा सा लगाया है, चीक वगैरह लगाया है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। विंडो का काम पूरा डन हो चुका है। तो ये विंडो तैयार हो चुकी है बालकनी में। ये साइड पे एक्रेलिक शीट लगी हुई है, यहाँ पे भी साइड पे एक्रेलिक शीट है, ये फ्रंट में से एक्रेलिक शीट है। मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ, ये अंदर की साइड इसके पल्ले खुलते हैं और काफ़ी सुंदर लग रही है ये। ऊपर ये वेंटिलेशन के लिए मैंने दो विंडोज़ बनवाई हैं छोटी छोटी, और बाहर जाली लगवाई है जिससे एयर वेंटिलेशन होता रहे। तो सबसे पहले गाइस हमने ये विंडो बनवाने के बाद ना ग्रास मैट जो होता है वो मंगवा लिया है, यहाँ पूरी घास ही घास हो जाएगी और बहुत सुंदर रहेगा और पूरा मेकओवर होने वाला है। बहुत बढ़िया मेकओवर करूँगा, दिखाऊंगा आपको। ये ऊपर जो सेरेमिक फ्लावर पॉट्स पड़े हैं इसमें प्लांट भी आएंगे, ये हमारा रेंडियर दो पर है। तो अब लंच करते हैं गाइस। ये पल्ले अंदर की साइड तो खुलते हैं, साथ ही मैंने यहाँ पर भी मतलब ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक ही लगवाई है ताकि खुला खुला लगे, मतलब बंद बंद ना लगे, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये साइड पे मैंने, अरे ये ऊपर से जब बंद होगा ना, जब खुलेगा मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे ये पल्ला बंद हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है कुछ। और ये साइड पे मैंने इसको ऐसे बनवाया ताकि मैं यहाँ पे स्टोरेज कर सकूँ, ये पल्ला ऐसे खुल जाता है पूरा, काफ़ी लंबा है ये जिम वगैरह की रॉड्स वगैरह रखने के लिए। ऐसा ही सेम दूसरी साइड पे बनवाया है। काफ़ी स्पेशियस लग रही है इससे और ज़्यादा, बालकनी बड़ी लग रही है। ये देखिए यहाँ ऊपर मैंने रॉड लगवाई है, यहाँ पर्दे लगे हैं और ये पूरा बंद हो जाएगा, और ये पूरा बंद हो जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा, एक तरीके से रूम ही बन जाएगा। या जब चाहे आप बालकनी बना लो इसको, जब चाहे रूम बना लो, तो ये बेनिफिट है इसका। वैसे बेफिक्री से बाहर नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, कभी भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ के रिगार्डिंग भी मैंने इसको लगाया ताकि बच्चे कभी बैठे होते हैं, दरवाज़ा ये वाला खुला होता है तो बच्चों को इतना याद नहीं रहता, कोई बंदर वगैरह अंदर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस पर्पज़ से भी ये लगवाया है। गाइस ये मैंने विंडो बनवाई है, तकरीबन 9-10 हज़ार के आसपास की बनी है और 2 दिन में इसका काम हुआ है पूरा, 2 या 3 दिन में। तो चलते हैं लंच करने। हाँ तो नन्ना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ आपका लंच।
क्या हो गया? पेट ही भर गया ना, इतना टमी फुल करके नहीं खाना चाहिए खाना, जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। ओके दोस्तों, ये एग्जॉस्ट फैन मैंने कोई स्विच ऑन नहीं कर रखा है इसको, ये देखिए ये हवा का कमाल है। बहुत ही सुहाना वेदर हो रहा है भाग, बारिश वाला मौसम हो रहा है, गर्मी से इतना पसीना आ रखा है। देखो मेरी अभी गर्दन पे भी स्वेटिंग हो रही है, इतना ज़्यादा पसीना आ रखा था, बस क्या बताऊँ। ऐसे बंद मिल से अब जाके आंधी चली है और बढ़िया मौसम हो गया। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये चार दिन से यही कर रही है, अभी तक इसकी राइटिंग ही नहीं पूरी। अरे देखो, ये भी पीछे में अलग अलग फिश करने होते, देखो ये सारे कर रहे, अब 15 करने आप मुझे ऐसे। सब्जी मंगवाई थी मैंने, अभी सब्जी कुछ भी नहीं थी कल सुबह के लिए, अभी तो मैंने बना दिया है रात के लिए। थोड़ी बहुत सब्जी मंगवाई थी, थोड़ी धो के मैंने फ्रिज में रख दी है, बाकी बचे मेरे फेवरेट मैंगोज। इस बार ये पता नहीं कौन सा लेकर आया, मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी इसको, पता नहीं कैसा टेस्ट है इसका। पैरेट मैंगो है, पैरेट मैंगो तोता वाला। हाँ। ये तोता मैंने सुना था कि तोता आम होता है, रेड कलर का होता है, हल्का सा पिंकिश नीचे से, और खाऊंगी पहली बार, खा के बताऊंगी कैसा है। और ये बैंगन है, मैं धो देती हूँ जल्दी से, फ्रिज में रख देती हूँ। सब्जी मेरी बन रही है, मेरे को जाना है ड्यूटी। तो दोस्तों तोता आम लाया हूँ मैं इसके लिए, तोता आम खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो ममता बताना तोता आम खा के कैसा लगा इसका टेस्ट। मुझे खाने का इतना शौक नहीं जितना मैं फ्रूट। ये तो है, खाना कम खाती है, फ्रूट ज्यादा खाती है। एक चपाती और एक पूरा टिफिन भर के, आजकल तो तरबूज का मौसम है, तो एक टिफिन भर के तरबूज और एक चपाती। तरबूज का तो जेड बना दिया इसने, खाना के ए टू जेड बना दिया उसका तरबूज का। जब मौसम बदल गया, आप साथ में मेरे, मैं साथ में आपके, मौसम तो वैसे ही बढ़िया हो जाएगा। ये बात मौसम के साथ लगता है, कभी कभी मैं भी डायलॉग बोल ही देती हूँ। तू तेरे लिए मैं रोज आसाम ले आया करूँगा, ठीक है। और तरबूज भी दिखा दो, आधा मैं कल खा चुकी हूँ। आधा तरबूज ये इसने खाया पूरा, दिखाओ जी। आधा वाटरमेलन जा चुका है वेट में, और आधा हाथ चला जाएगा। और हमें क्या मिलेगा, छिलका। तो जब भी अच्छा मौसम होता है इसकी नाइट ड्यूटी होती है, आज फिर इतना अच्छा मौसम और ये ड्यूटी जा रही है। हाँ जरूरी तो है, चल तू कर तैयारी, मिलते हैं दोस्तों। तो लो जी ये ममता का टिफिन तैयार हो गया। मत दिखाओ प्लीज। ये खाने के अलावा तरबूज है जो वे लेके जाएगी डिनर में। मत दिखाओ, अभी मैंने आलू बचाया हुआ है इसलिए आपके लिए। शुक्र है जी।